नमस्कार अम्रेजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पार्ट्स। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहुत सारे बच्चे पैनिक हैं। मैं बात कर रहा हूँ BHU PG मॉप अप राउंड फाइनल पेमेंट लिंक का। आप सभी को बता दूँ कि BHU अपने सीट को फुल करने के लिए, अपने एडमिशन में बहुत सारे कोर्सेज की सीट फुल करने के लिए उन्होंने वैकेंट सीट निकाली थी और उसका ऑफलाइन काउंसलिंग करा के एक मॉप अप राउंड चलाया था। और फाइनली वो हो चुका है। अब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई लिस्ट में हमारा नाम है और हमें अब पेमेंट लिख मिल जाए। और ये आज आने वाला था, शाम हो चुकी है, बच्चे पूरे दिन इंतज़ार किए और वो नहीं आया। अभी मैंने कांटेक्ट किया CSE मेंबर्स को और जहाँ तक उनके थ्रू पता चला कि आज वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनली अब आज शाम को नहीं आएगा, कल दिन में भी नहीं आएगा। उम्मीद कर सकते हो कि शाम में मैं आपके लिए कोई गुड न्यूज़ ला सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएं, पेशेंस रखें और बस यूँ समझ लो कि आप अपने एडमिशन के बहुत करीब हो। हाँ, मैं एक सुझाव दे सकता हूँ आप सभी को। आप सभी को पता चल चुका है कि आपका एडमिशन फाइनली BHU में हो गया है, क्योंकि लिस्ट में आपका नाम है, बस आपको पेमेंट करना है। तो ऐसे में आप अपनी पूरी तैयारी, यानी अपना जो भी अरेंजमेंट है, लगेज है, शिफ्टिंग का काम है, प्लानिंग है, वाराणसी शहर में आना है, तो आप वो सब कर लो। इवन आप इस शहर में आ भी जाओ तो ये अच्छी बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी आ जाओ, आने वाले 1-2 दिनों में अपनी क्लासेज भी शुरू कर दो, क्योंकि बेसिकली आप उसी क्लास में बैठ के पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप आओगे स्पेशल कोई सेक्शन आपको डिवाइड किया जाएगा, नहीं भाई, आप आओगे उन्हीं लोग के साथ पढ़ोगे। आपकी क्लासेज ऑलरेडी रन कर रही हैं, आप आके पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका लिस्ट में नाम है। वो आज नहीं कल तो आपका पेमेंट आ ही जाना है। आज नहीं तो कल पेमेंट आने के बाद आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट हो ही जाना है। तो आप आराम से सब चीजें मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ, अगर आपको पेमेंट करना है, एडमिशन लेना है, तो आप आराम से अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह देख लो, शिफ्ट हो जाओ और फाइनली आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, वो कल शाम तक आ जाएगा, नहीं परसों तक आ जाएगा, और क्या। और हाँ, हमारे यहाँ यानी इस चैनल पे BHU पाठशाला पे हम लोग लगातार आपके लिए वीडियोस दिए लगभग 2.5 महीने से। अब हम लोग 2025 के लिए वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे यहाँ UG कोर्सेस तो पिछले 3.5-4 साल से बढ़िया से रन कर रहा है। PG हम लोगों ने लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट किया है। अच्छी बात ये है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, यानी जो PG के छात्र हैं, अब इनको रिसर्च करना होगा, कुछ लोग को नेट क्वालिफाई करके कहीं पढ़ाना होगा। इनके लिए PhD की बैचेज आ रही हैं। आने वाले 5 से 10 दिनों में हम लोग अपने PhD का एक प्रॉपर बैच, एक नहीं अलग अलग सब्जेक्ट्स का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के साथ लॉन्च कर देंगे। आपके जो मेंटर्स होंगे उनसे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आप हमारे यहाँ फाइनली अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने पेपर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोर्स पढ़ सकते हो। बड़े नॉमिनल फीस में कोर्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। जो टीचिंग फैकल्टी है, आप यूं समझ लो कि या तो वो कहीं पे ऑलरेडी अच्छे खासे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, या तो फिर वो अपनी थीसिस सबमिट कर चुके हैं, या तो ज्यारप स्कॉलरशिप के साथ PhD कर रहे हैं। यानी कि वेल क्वालिफाइड आपकी टीचिंग फैकल्टी है। कहीं ना कहीं आप जब ऐसी टीचिंग फैकल्टी से पढ़ते हो जो कि BHU से ही पढ़े हैं या BHU में पढ़ रहे हैं, तो उनके अनुभव आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आप यूं समझ लो कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 2 साल का जो समय आपको मिला है, अभी आप जब इस विश्वविद्यालय में आ रहे हो, BHU में आ रहे हो, DU, JNU, कहीं भी आप गए होगे, बीतते समय नहीं लगेगा, ये यूं गुजर जाएगा कि आप सोचोगे कि अरे अभी तो आए थे और अब जाने का समय हो गया। तो मैं चाहूंगा कि आप समय रहते अपनी आने वाली स्टडी को स्टार्ट कर दो और इसमें हम लोग आपके साथ हैं। बस मैं आपके रिसर्च तक ही नहीं रुक रहा हूँ, बाकी भी कोर्सेज के लिए देखूंगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी आगे BEd के लिए सोचेंगे, तो BEd के लिए सोचूंगा। और उसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो बच्चे भी, चूंकि हमारा एक वीडियो, जो कि देखो एजुकेशनल वीडियोज में होता क्या है ना कि जनरली व्यूज बहुत उठते नहीं है, और खासकर जब कोई एक ऐसे सब्जेक्ट को आप पकड़ लेते हो ना जहां पे बच्चों की संख्या कम होती है, तो और बहुत रेयर हो जाता है। लेकिन हाल ही में BHU पाठशाला का एक PhD टॉक 1 लाख क्रॉस कर गया, यानी 1 लाख यहाँ के स्कॉलर्स का टॉक वीडियो था। ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि एजुकेशनल वीडियो के रीच हमारे सही फ्रेश माइंड स्मार्ट स्टूडेंट के बीच में जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज हमारे यहाँ टॉक में पार्टिसिपेट करो।
सिलेक्टेड हो, आपका एडमिशन हो गया, आप हमारे यहाँ टॉक में पार्टिसिपेट करो। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव साझा करो, आप अपने एक्सपीरियंसेस दो, आप बताओ कि हाँ आपने कैसे तैयारी करी, आपके तैयारी के दरमियान ऐसे कौन कौन से चीजें रही हैं जो कहीं ना कहीं कठिनाई बनी आपके लिए पूरे इस यात्रा में। काउंसलिंग कितना ज्यादा आपके लिए एक एक डिफिकल्टीज रहा है, और इसमें हम लोग आपके लिए कितना मदद किए, आप लोग इसमें आपके साथ और कौन कौन था जो आपकी मदद किया, और आप लोगों ने ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो आने वाली जनरेशन को बताना चाहोगे। तो ये तमाम बातें हम लोग टॉक शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सही मायने में हम सभी किसी के लिए कुछ, जैसे अब मैं वीडियोज बनाता हूँ किससे आपको मदद मिलती है बेसिकली, अगर आपके माध्यम, क्योंकि मैं वीडियोज बनाता क्यों, क्योंकि आपके माध्यम से वो चीजें मेरे तक आती हैं। लाइक अब आज मैं ये पता करके आपको बताया कि फाइनली आज आपका पेमेंट लिंक नहीं आएगा, तो आपकी नीड को मैंने पूरा किया, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अगर आप प्रॉब्लम लेके ही नहीं आते तो मैं सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं है, बहुत सारे फैकल्टी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर वो सब चीजें लेकर आते हो, नई नई चीजें आप बताते हो, तो उससे एक बच्चों को भी अगर फायदा होता है, भला होता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो प्लीज मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, हॉस्टल वाला है, टेलीग्राम का आईडी है, उसी पे सीओटी के हेल्प डेस्क वाला एक आईडी है, वहीं पे काउंसलिंग वाला भी नंबर है। आप बेसिकली अपना नेम, अपना डिपार्टमेंट, और वहां पे मेंशन करो कि आप एक इंटरव्यू भी करना चाहते हो, तो उसमें हम लोग आपके लिए एक लोकेशन, एक डेट, एक टाइम फिक्स करेंगे, और जिस पे आपके साथ एक बढ़िया सा क्वेश्चन आर रेडी करके हम लोग इंटरव्यू करेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट का हिस्सा जरूर बनेंगे जो आपके आने वाले स्वर्णिम भविष्य का इतिहास रचेगा। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हर हर महादेव।